कुछ चीजों के असरात होते हैं वक्ती और कुछ बिल्कुल चीजों के असरात होते हैं देर पा। मुझे एक डॉक्टर ताहिर कादरी की बात बड़ी अच्छी लगी है, वो कहते हैं कि आप घर का कमजोर बच्चा दर्स में भेज देते हैं, वो कमजोर बच्चा ज़कातों पे और फितरानों पे पल के बड़ा होता है, उसके बाद फिर वो ज्यादा से ज्यादा किसी मोहल्ले का इमाम बनता है। इसके मुकाबले में आप जब इंजीनियर बनाने पे पैसा लगाते हैं, डॉक्टर बनाने पे पैसा लगाते हैं, उनकी पहली क्लास, उनकी नर्सरी प्रेप से लेके आप उनकी आखिरी उनकी डिग्री तक, जहां तक वो पढ़ना चाहें आखिरी डिग्री तक आप इनके पैसे बनाएं, इनका खर्चा बनाएं, जिस लड़के पे आपने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उससे तो आप रिजल्ट मांगेंगे। जिस इमाम को आपने ज़कातों और फितरानों पे सदका खैरात और सदका खैरात पे आपने पाला है उससे आप डिमांड कर रहे हैं कि जनाब तू तारीख क्यों नहीं बदल रहा, समझ रहे हैं? तो आप इन्वेस्ट और लोगों पे कर रहे हैं, जवाब किसी और से मांग रहे हैं, ज़कात फितरानों वालों से आप जवाब मांग रहे हैं, इन्वेस्ट आप कर रहे हैं वो इंजीनियर बना दें। मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ मेडिकल का दाखिला कितना महंगा होता है। बिल्कुल, मेडिकल का दाखिला महंगा तरीन दाखिला है। बिल्कुल जी, आप रिजल्ट उनसे क्यों नहीं मांगते? बिल्कुल, कभी ये लोग भी कहते हैं, वो कहते हैं जनाब वो कोई अल्लाह रसूल के लिए थोड़ी जाते हैं। अल्लाह रसूल के लिए नहीं जाते तो आप जिंदगी में इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रहे हैं, रिजल्ट आप कहीं और से मांग रहे हैं। तो आपको चाहिए, अगर आप कहीं से रिजल्ट चाहते हैं तो इसमें यह भी जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट भी उतनी करें। मदरसे पे आप चंदा देते नहीं, आप पैसे उनको देते नहीं। तालिबे इल्मों के लिए क्या सहूलियात है? आप देखें हर बड़ी कंपनी यूनिवर्सिटीज में जा रही है, बिल्कुल पीजे के ऑफर्स दे रही है, पैकेजेस का ऑफर दे रही है, और जब और अब यूट्यूबर्स यूनिवर्सिटीज में जाके उनको हॉटस्पॉट दे के तो कहते हैं जी सब्सक्राइब करो, देखो सब ठीक है। तो यही कह रहा हूँ, ऐसी फैसिलिटीज मदरसों को तो नहीं दे रही, कोई भी नहीं दे रहा, ना हुकूमत ना आम आवाम इनको। जब बल्कि उनसे फायदा लेते हैं, जब मदरसे में आते हैं कहते हैं ठंडा पानी पिलाओ, ठंडे, वो कहते हैं हमारे लिए पंखा भी चलाओ, मार्केट वाले सारे वॉशरूम यूज करते हैं मदरसों के। मतलब ये है कि इनको सहूलतें मदरसे में चाहिए, ठीक है, रिजल्ट भी मदरसे में चाहिए, लेकिन बच्चों के इन्वेस्टमेंट ये और जगहों पे। तो इसलिए मेरी नजर में अगर यूथ इन लोगों से कुछ सीख रही है तो ये सीख ही रहे। उससे कोई मसला नहीं। अगर ये लोग सिर्फ लड़ाई झगड़ा सीख रहे हैं तो फिर आप इल्म सीख के झगड़ा करें या इल्म के बगैर झगड़ा करें तो आप झगड़ते ही रहें सारी उम्र। अगर आप इस्लाह हासिल नहीं कर रहे तो फिर कुछ भी नहीं कर रहे।